हेलो, मेरा नाम आशुतोष है और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं आपके सामने अभी सॉलिड वर्क्स का डिज़ाइन लेकर आया हूँ। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। और चलिए अब देखते हैं कि इसका पैटर्न मैंने किस तरह से डिज़ाइन करा है। चलिए सबसे पहले मैं पेन पे चलते हैं। पेन पे हमने राइट क्लिक करा और जस्ट स्केच पे क्लिक कर दिया। सॉरी, राइट क्लिक करा और जस्ट हमने एडिट फीचर्स पे मैंने क्लिक कर दिया। तो फिर ये हमें डायमेंशन दिखा देगा। 300 मिलीमीटर मैंने डायमेंशन नहीं थी इसमें। और फिर ऐसे ही मैंने सेम दूसरी साइड भी करा है। 300 डायमीटर डायमेंशन लेके अब चलिए अब हम चलते हैं बेसिक पॉइंट पे, जो है बॉस एक्सट्रूड का। सबसे पहले हम इसका स्केच चेक कर लेते हैं कि स्केच मैंने किस तरह से बनाया है, ताकि आपको आने वाले ये प्रैक्टिकल्स में आसानी रहे इस फॉर्मेशन को फॉर्म करने के लिए। आप देख सकते हैं, आप डायमेंशन चाहे तो नोट भी कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले ये प्रोजेक्ट्स में आसानी हो सके। तो और अब चलते हैं हम बॉस एक्सट्रूड पे। बॉस एक्सट्रूड मैंने किस डायमेंशन पे लेके इसको डिज़ाइन कराया। मैंने फ्लिप बटन का इसका यूज़ करा है और 50 मिलीमीटर डायमेंशन रखी है इसमें और जस्ट एक्सट्रूड कर दिया है। और फिर मैंने फिलेट का यूज़ करा है। फिलेट का यूज़ मैंने ताकि ये जो पॉइंटेड एज थी उसको कर्व्ड फॉर्म में क्रिएट करने के लिए, ताकि जो सिटर पोर्शन है उसमें ये कंफर्टेबल भी रहे, ये चेयर, और किसी को तकलीफ भी ना हो। इसलिए 10 मिलीमीटर मैंने इसका डायमेंशन रखा है। अब चलिए अब हम चलते हैं मिररिंग पे। मिररिंग मैंने किस तरह से करी है देखिएगा। मैंने जस्ट फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करके और बॉडी टू मिरर को सिलेक्ट करा है, और मर्ज सॉलिड को नहीं सिलेक्ट करके मैंने जस्ट मिरर कर दिया। तो फिर ये पैटर्न बन गया। अगर मैंने मर्ज सॉलिड करा होता तो फिर ये एरर शो करता। क्यों? क्योंकि इसके आगे या फिर पीछे कोई ही बॉडी थी नहीं, इसलिए। अब चलिए अब हम चलते हैं सरफेस एक्सट्रूड पे। सरफेस एक्सट्रूड किस तरह से वर्क करा है इसमें अभी देखिएगा। अभी मैं आपको इसका एज स्केच दिखा देता हूँ किस तरह से मैंने कराया। मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक करके और कन्वर्ट एंटिटीज। कन्वर्ट एंटिटीज वो एंटिटीज होती है जहाँ पे जो डायमेंशन नहीं हुई होती है उसको सेलेक्ट कर देता है और क्रिएट कर देता है डायमेंशन को। तो इसी के द्वारा मैंने एज बनाई है ये, और जस्ट मैंने सरफेस एक्सट्रूड का यूज़ करके और ये क्रिएट करा है। अब सरफेस एक्सट्रूड में तो थिकनेस होती नहीं है, तो फिर मैंने थिकनेस का इसमें यूज़ करा है। थिकनेस मैंने कितनी यूज़ करी है इसमें? 5 मिलीमीटर की मैंने इसमें थिकनेस यूज़ करी है, और मर्ज रिजल्ट पे मैंने सेलेक्ट करा है और जस्ट ये क्रिएट हो गया। फिर मैंने
यहाँ पे एज रह गया था, यहाँ पे पोर्शन रह गया था जिसे मुझे कंप्लीट करना था। तो फिर मैंने फिर से पुराने तरीके से इसका यूज़ करके और जस्ट मैंने क्रिएट कर दिया इस बॉडी को। और फिर मैंने थिकनेस का यूज़ करा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ये थिकनेस यूज़ हो गई यहाँ पे। अब चलिए अब हम चलते हैं सरफेस एक्सट्रूड पे। अब सरफेस एक्सट्रूड का भी मैंने उसी तरीके से यूज़ करा है जैसे मैंने प्रीवियस उसमें करा था। डायमेंशन ने जस्ट मैंने कन्वर्ट एंटिटीज पे क्लिक करके और जस्ट इसको एक्सट्रूड कर दिया बॉडी को और जस्ट ये क्रिएट हो गया। अब मैं आपको इसकी एज फीचर्स भी दिखा देता हूँ किस तरह से करा है, ये देखिएगा। और मैंने अप टू सरफेस पे करा है ताकि सरफेस पे जाके ये मर्ज हो सके और मर्ज रिजल्ट भी हो गया। अब चलिए अब हम चलते हैं थिकनेस पे। थिकनेस जैसे आप जानते ही हैं कि थिकनेस मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा लिया है 10 मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि ये बॉडी को वो ज़्यादा भार बॉडी का लेग की तरफ ही होता है। और फिर जस्ट मैंने इसको क्रिएट करके और ये थिकनेस का फॉर्मेशन कर दिया। अब चलिए अब हम चलते हैं कट एक्सट्रूड पे। कट एक्सट्रूड का भी मैंने ये काफ़ी देखिएगा। अभी मैं आपको इसकी स्केच दिखा देता हूँ किस तरह से मैंने क्रिएट करा है, किस लेंथ पे मैंने इसको क्रिएट करा है, आप देख सकते हैं। मैंने इन लेंथ पे इसको क्रिएट करा है और जस्ट मैंने कट एक्सट्रूड का यूज़ करा है इस पे ताकि ये बॉडी का सरफेस आर पार हो सके और क्रिएट हो सके यहाँ हमारे पास होल। और फिर मैंने इस फिल पैटर्न का यूज़ करा है। फिल पैटर्न का यूज़ इसलिए करा है ताकि ये जो बॉडी थी यहाँ पे अगर से मैं फिल पैटर्न का नहीं यूज़ करता तो फिर जो कस्टमर होते हैं उनका जो लोअर पोर्शन होता है वो हीटेड हो जाता है जब हम बैठते हैं। तो फिर उस लोअर पोर्शन को हीटेड ना होने से और उस पोर्शन को बचाने के लिए मैंने यहाँ पे होल करे हैं ताकि यहाँ से एयर पास होती रहे और बॉडी हीट ना हो। तो फिर इस तरीके से मैंने ये डिज़ाइन करा है पैटर्न। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा होगा। अब चलिए अब मैं इसका रियल व्यू भी दिखा देता हूँ आपको किस तरह से मैंने इसका रियल पैटर्न फॉर्म करा है। इंटीग्रेटेड प्रीव्यू में दिखाए थे आपको ताकि आपको अच्छा भी लगे। और कृपया करके लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस ताकि मुझे रेगुलर नोटिफिकेशन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं ऐसे ही डिज़ाइंस बनाता रहूँगा एज पर दी रेगुलर बेसिस पे। देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है और कितना फिनिश लग रहा है ये पूरा पैटर्न। आप इसको 3D प्रिंटर पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं हैं या फिर मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं एज पर योर मैन्युफैक्चरिंग टीम के साथ। जस्ट अ मिनट देखिए ये देखिएगा एकदम
मेटेलिक फिनिश आ रही है और सरफेस फिनिश भी दिख रही है आपको। तो फिर इसी तरह से डिज़ाइन करा जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन में। तो फिर आगे आने वाली वीडियोस पे ही मैं सिमिलर वेज में आपके सामने ये ढेर सारे डिज़ाइंस लेकर आऊँगा। और मैंने ट्यूटोरियल वर्क तो आपके सामने दे दिया है ताकि आपको वो प्रॉब्लम ना हो वो इन एनी फील्ड में, किसी भी फील्ड में। और मैं ट्यूटोरियल्स भी कंप्लीट कर दूंगा एज पर डेज के अनुसार। और कृपया करके लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अभी के लिए थैंक यू गाइस।